ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਆਈਬੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। आज सुबह की न्यूज है जो कि कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बराड को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहां पर लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। दस दिए कि गोल्डी बराड को पंजाब लिया की प्रक्रिया तेज, यह गल्लां बातां सामने आ रही ने। गोल्डी बराड को लेकर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान का अहम तो वड्डा बयान, यह गलबात की गई है कि अमरीका के नाल संपर्क किया गया। सो तमाम जिहड़े ने उह कलू दे तहत या फिर कह लिए कि सबूतों के तहत अगे दी कारवाइयां जिहड़ियां अमल दे विच लिआंदियां जा रही ने। सो दस दिए कि गैंगस्टर गोल्डी बराड नूं जानकारी मुताबक सूत्रां दे हवाले की जानकारी मुताबक 20 नवंबर नूं हिरासत दे विच लिया गया, 22 नवंबर नूं एक ड्रग मामले दे विच पुछगिछ की गई, पुछ पड़ताल की गई FBI द्वारा, तो उस तो बाद हुण खबर निकल के सामने आई है। तो इस तहत जेकर गल की जाए तो इस पूरी खबर में लैके मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान होरां का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने नाल संपर्क किया गया तो पंजाब लिआउण दी जिहड़ी प्रक्रिया वो तेज की गई है। सो हुण देखना होगा कि उधरले कानून मुताबक कहो जी जिहड़ियां ने वह अगे चुनौतियां सामने आउंदियां ने। हालांकि कानूनी प्रक्रिया तहत ही जिहड़ियां सारियां कार्रवाइयां वो अमल दे विच लिआंदियां जा रही ने, लेकिन कह सकते हैं कि एक विदेशों के बैठ के वड्डे नैक्सस चलाने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड हिरासत के लिया गया, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले के नाल। सो वड्डा नैक्सस तोड़न की फिराक के भारतीय खुफिया एजेंसियां जिस हिसाब के नाल गैंगस्टर वाल वाधा हुआ नजर आ रहा तो उसनू लगातार तोड़न की कोशिश की जा रही है। उनकी कैलिफोर्निया पुलिस अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर, मैं बता रहा हूँ, डिटेन किया उन्होंने, उन्होंने संपर्क किया है भारत सरकार से, पंजाब पुलिस से कि जी हमने डिटेन कर लिया है, तो आप बताइए क्या इसका उसको डिपोर्ट करना है या उसकी वापसी करवानी है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी जो संधि है उसी के मुताबिक हम उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। जो मास्टरमाइंड था, अभी और भी हैं, और भी हैं, अकेले गोल्डी बराड नहीं, और भी हैं, हम सभी का रिकॉर्ड है हमारे पास, हम इंटरनेशनली हम बात कर रहे हैं कि वो आ जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आके उनसे पूछताछ में और भी कुछ खुलासे हो सके।